जब किसी खिलाड़ी का सर मेडल पहनने के लिए झुकता है तो सारे हिंदुस्तान का सर ऊंचा उठ जाता है। जब किसी खिलाड़ी की धड़कनें बढ़ती हैं तो सारे हिंदुस्तान का दिल थम जाता है। जब कोई खिलाड़ी जीत के करीब होता है तो सारे देश के हाथ एक साथ दुआओं में उठ जाते हैं। एक खिलाड़ी सारे हिंदुस्तान को एक कर देता है। कुछ ऐसे ही खिलाड़ी जो मेरी और मेरे देश की उम्मीद है, उन्हें जानने का मौका है उम्मीद इंडिया। चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबको वोटिंग पर लेकर चलता हूं। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कितनी पतली सी बोट पानी में तैरती कैसे होगी और इसको चलाने वाला बैठता कहां पर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतनी पतली सी छोटी सी दिखने वाली बोट पानी में लगभग 20 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है। और आज मैं यहां आप सबको उसी खिलाड़ी से मिलवाने आया हूं जो इस बोट को चलाने में माहिर है। महाराष्ट्र के ऐसे गांव से आते हैं जहां सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है, भयंकर सूखा पड़ता है मैं कहूंगा। उस गांव से आने के बाद क्या आपने सोचा था कि आप खिलाड़ी बनेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे? एक तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा। हमारे घर के साइड में एक तालाब था, तो उस तालाब के बीच में से एक रास्ता जाता था और उस तालाब को पानी जब भरता था ओनली जून जुलाई 2-3 महीने तक भरता था, लेकिन इतना भरता था कि रास्ते के लेवल तक पानी आता था। मुझे डर काफी लगता था पानी से, अगर बाइक से भी वहां से गुजरू तो बड़ा फास्ट जाता था मैं वहां से, कहीं डूब ना जाऊ, कहीं बाइक फिसल ना जाए। जिसको पानी से डर लगता हो वो पानी के खेल का चैंपियन बन जाए, इसे किसी चमत्कार से कम मत समझिएगा। ये चमत्कार हुआ कैसे? आर्मी में भर्ती हुआ तब से स्टार्ट हुआ। पहले तो डर लगता था काफी सा, लेकिन एक बचपन की आदत थी डर को दूर करना, और हम किसी काम के ऊपर डर लगता है फिर भी उसे बादशाह बन जाते उस काम के ऊपर। ये रोइंग स्पोर्ट्स है क्या? ये तो एक वाटर स्पोर्ट्स है, 2 किलोमीटर की रेस रहती है, उसकी प्रैक्टिस अलग अलग रहती है, तो उसके ऊपर अगर अच्छा टाइम दे तो अच्छा प्लेयर बन सकता है, और हार्ड स्पोर्ट है सबसे ज्यादा। आपकी जो फैमिली थी वो खेती करती थी, खेती करते वक्त आप हल चलाते थे, उन हल चलाते हुए हाथों में बंदूक थमाना, ये किसका आइडिया था कि आपको आर्मी में भर्ती कराया जाए? 2011 में जब 10वीं क्लास पास हुआ तो मेरे पिताजी का एक सपना था कि मेरा बेटा इतनी लंबी हाइट है, बॉडी अच्छी है, कि ये फौजी बन सके अच्छा। तो उस सपना जब पिताजी एक्सपायर हो गए 2011 में, तब मैंने सोचा कम से कम पिताजी के लिए और कुछ तो नहीं कर सके, लेकिन ये सपना तो पूरा करके उसके लिए मैंने फौज की नौकरी चुनने का पक्का इरादा किया और पहली भर्ती में सिलेक्ट हो गए। आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपको कैसा फील? एक अलग सा गर्व महसूस होता था कि मेरे पिताजी की जो ख्वाहिश थी वो मैंने पूरी की, लेकिन यहाँ आके धीरे धीरे फिर रोइंग की तरफ बढ़ता गया। तो अब आर्मी में आपकी रैंक क्या है? अभी हवलदार रैंक पे। रोइंग को अपनाने के पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? एक तो जैसे मेरी पुरानी आदत थी, जो भी काम करना है वो दिल लगा के करना,
वही आदत मुझे आर्मी में रोइंग के लिए कामयाब हो गई। जैसे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी तब मेरे कोच आए थे वहाँ पर सूबेदार कुदरत अली करके, तो उन्होंने मुझे हाइट देख के बॉडी देख के तो उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर से थोड़ा साइड करके मुझे रोइंग की तरफ लेके गए। तब रोइंग स्टार्ट की मेरी और अच्छा परफॉर्मेंस मैं देने लगा कि जो भी बताते फॉलो करता था उस चीज़ को मेंटेन करके, फिर जो भी गलती होती थी उसे फॉलो करता था। तो फिर उनको भी लगा कि यार इसको कुछ ट्रेनिंग दे के देखते हैं, तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी 3-3.5 महीने की। उसके बाद एक कंपटीशन आता था इंटर सेंटर करके, उस कंपटीशन में मुझे भाग लेने के लिए उन्होंने कहा, तो मैंने भाग लिया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, गोल्ड मेडल लिया उसमें। तो फिर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया मेरे ऊपर, डाइट के ऊपर, कोचिंग के ऊपर, फिर धीरे धीरे मैं परफॉर्मेंस देता गया उनको। बड़ा, आपने आर्मी रोइंग करने से पहले कभी रोइंग की नहीं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल पता तक नहीं था कि ओलंपिक क्या होता है, रोइंग क्या होती है, स्पोर्ट्स क्या होता है। ऐसा खिलाड़ी जिसको खेल के बारे में नहीं मालूम, जिसको कोई टेक्निक के बारे में नहीं मालूम, जिसको आर्मी में आने के बाद उस खेल में डाला गया और उसने इतनी मेहनत की 3-4 सालों में कि वो ओलंपिक में पहुंचा, कंपटीशन में भाग लिया ओलंपिक के और वहां पर 13वीं रैंक लेकर आया, तो एक अजूबे से कम नहीं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मामूली बात नहीं है, उस पर 13वीं रैंक लाना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये सब सिर्फ 3 या 4 साल की मेहनत के दम पर किया जाए तो खिलाड़ी के साथ साथ उनके कोच की तारीफ करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। दत्तों की इस रैपिड ग्रोथ के पीछे एक कामयाब कोच रघुवीर सिंह जी। रघुवीर जी, आप दत्तू जी से कब और कहां कैसे मिले? दत्तू की मुलाकात 2012 में जब वो एनरोलमेंट के लिए आए थे इंडियन आर्मी में, उस टाइम की नजर आया था, लेकिन जब हमने नहीं सोचा था कि यही बंदा हमारे साथ आके ना कोचिंग करेगा। उसके बाद जब 2015 में हमारे नीचे आया था रोइंग करने के लिए तो कंटिन्यू अपने साथ ही। पर मुझे लगता था रोइंग सिर्फ हाथ का खेल है। सर, रोइंग का आप देखोगे मेरे पास रोवर्स हैं, हल्दी एशियन गेम मेडलिस्ट है, ओलंपिक पार्टिसिपेंट है, एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट है, शायद उनके किसी के मसल्स देखने को नहीं मिलेंगे आपको, बॉडी बिल्डिंग वाले सभी के मसल्स ऐसे लगेंगे कि भैया एक नॉर्मल आदमी है, पैर से लेके ना टोक है लेकिन आपको चोटी तक जोर लगता है। अच्छा, हेड टू टो? जी सर, हेड टू टो में यूज होती है, छोटी सी पसीने आते हैं तो नीचे पंजे से पसीने आते हैं। अच्छा जी, एक स्टूडेंट के तौर पर दत्तू कैसे थे? दत्तू मतलब थे भी रहे भी, जब से वो आए हैं रोइंग के अंदर उनका एक बहुत बेस्ट टारगेट है कि मुझे कुछ ओलंपिक में करके दिखाना है, तो ये चीज हमको ऐसी लगी कि आज भी लगता है कि नहीं ये अगला 22 ओलंपिक में कुछ एटलास्ट हमको, अभी 13 पोजीशन दिया इसने, बेस्ट पोजीशन दिया इंडिया को, शायद फाइनल ए में जाके कुछ रिजल्ट दे सकते। अच्छा, मैंने सुना है कि दत्तू को पानी से बड़ा डर लगता है, उन्हें स्विमिंग नहीं। हाँ सर, ये कहानी एक्चुअली मैं आपको वही पॉइंट बोल रहा था कि मेरे दत्तू में तकरीबन वही है कि मैं भी एक राजस्थान से आया था, वो भी एक नासिक से आया जहाँ पे पानी है नहीं जी, और मैं खुद का बोल रहा हूँ कि मुझे पानी से इतना लग रहा था कि कहाँ घुस रहा हूँ मैं, कल डूबूंगा कल डूबूंगा, सेम दत्तू को भी ये लगा डूबेगा। लेकिन हम लोग इंजीनियर्स में एक सबसे बेस्ट हमारा ये है कि जैसे एनरोलमेंट होता है सबसे पहले हमको स्विमिंग सिखाते हैं। अच्छा, और स्विमिंग सिखाया तो उसी में क्या होता है कि पानी जब हम लोग लगातार स्विमिंग पूल में जाते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो जो पानी का एक डर रहता है, जब तालाब में हम लोग नहीं डर निकाल ले पाए गाँव में, वो एट लास्ट हमारे इंजीनियर्स में एक ऑब्जेक्टिव है कि उसको ठीक करते, दिमाग से निकाल देते हैं। इस खेल में किस तरह की इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं और आप उन इंजरीज को कैसे डील करते हैं? इंजरीज में मैन शोल्डर पेन, बैक पेन, नी पेन, शोल्डर का पुलिंग, देन बैक का पुलिंग और नी का, इनमें कहीं किसी कारण से तो वो मेन रोवर पे डिपेंड रहता है। आपको अपनी पहली ट्रेनिंग जब आपने की रोइंग की तो उसमें कौन कौन सी यादें हैं? एक तो जैसे मैंने भर्ती करके आया और रोइंग के लिए सिलेक्ट किया तो एक 20 फीट का रस्सा बांधा हुआ था पेड़ को लटकाते हुए, तो उस रस्से को कोच ने बोला कि इसे पैर नहीं लगाना, हाथों से चढ़ना है। तो मैं एक बार चढ़ गया, फिर कोच बोले और एक बार चढ़ ले, फिर मैं चढ़ गया, फिर उतर गया, फिर 2-3 बार, ऐसा 5 बार हुआ। तो कोच बोले कि जो नॉर्मल रूटीन में प्रैक्टिस करते बंदे वो 5 बार चढ़ गए और तू सीधा भी भर्ती होके आया है, तू 5 बार चढ़ गया, तो ऐसा कैसे तेरे हाथों में इतनी पावर आ गई? तो मैं उन्हें बताया कि मैं एक कुएं का काम करता था, तब कुएं से ऊपर आना तो हाथों से आना पड़ता था, तब मेरे हाथों में इतनी जान बनी थी। वो फाइनल मोमेंट कौन सा था जब आपको रियलाइज हुआ कि आप एक प्रॉपर रोवर बन गए? हाँ, जब ओलंपिक
क्वालिफाई हुआ कोरिया में, तब यानी कि क्वालिफाई होने के बाद दूसरे दिन पता चला कि क्वालिफाई हुए हम, और फिर यानी कि जैसे सोशल मीडिया में ये बात फैल गई। पहले तो जैसे कि हम मेडल लेते थे किसी को पता नहीं चलता था, और आर्मी में रहने की वजह से किसी को बाहर बता भी नहीं सकते थे कि हमने मेडल लिया, न्यूज में रिपोर्ट में ये दे दो वो दे दो। जैसे क्वालिफाई में आ गया तो फिर धीरे धीरे हमारे कोच जो हमारे साथ थे उन्होंने बात इंडिया तक यानी कि यहाँ मैसेज दिया, फिर बात फैल गई। फिर एक धीरे धीरे पता चला कि यार तू अच्छे तरीके से ओपनर बन चुका है, अभी बस तुझे मेहनत करने की जरूरत है। आपको यहाँ आर्मी रोइंग नॉर्ड में किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? जैसे कि मैं काफी जगह यानी कि दो जगह प्रैक्टिस कर चुका हैदराबाद और पुणे में, तो यहाँ पर मुझे हर जगह की फैसिलिटी मिली। जो भी प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर की प्रॉब्लम हो चाहे डाइट की प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम रहती थी वो सॉल्व हो जाती थी प्रॉब्लम। तो आपकी जो बोट होती है वो इतनी पतली होती है, नैरो होती है, लंबी होती है, तो उसमें कभी डर नहीं लगता आपको बैठ कर चलाते हो? डर तो पहले लगता था, अभी डर तो बिल्कुल कम हो गया अभी धीरे धीरे। अब आपको स्विमिंग आ गई? हाँ, स्विमिंग आ गई। तो आपका पानी से डर हट गया? हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ, खत्म। आजकल एक ट्रेंड है कि हेलीकॉप्टर में शादी करने का या पानी के अंदर शादी करने का, क्या आपने भी सोचा है कि आप बोट पर शादी करेंगे? मेरी एक बोट ऐसी है जिसमें ओनली एक ही आदमी बैठ सकता है, जिसमें मैंने कंपटीशन खेला, बट उस पे तो शादी नहीं हो सकती, बट पानी के किनारे शादी कर सकते हैं। रोइंग जैसा खेल भारत में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसके लिए क्या ट्रेनिंग होती है, एक खिलाड़ी अपने आप को कैसे तैयार करता है, ये जानने के लिए दत्तू के साथ शामिल होते हैं उनकी ट्रेनिंग में। रोइंग एक पार्ट बन गया है जिंदगी का, तो काफी यानी कि लाइक भी करता हूँ और काफी एंजॉय भी करता हूँ उसके अंदर। साढ़े पांच से छह बजे तक तैयार होके फिर हम ग्राउंड में आ जाते, फिर ग्राउंड वर्क करते 20-25 मिनट स्ट्रेचिंग, नॉर्मल वार्म अप, उसके बाद पानी में वर्कआउट होता है हमारा 16 किलोमीटर 12 किलोमीटर। वर्कआउट होने के बाद नॉर्मल स्ट्रेचिंग करते, फिर ब्रेकफास्ट करते, फिर सो जाते 2 बजे तक, फिर लंच करते, उसके बाद शाम को फिर 4 बजे से 6 बजे तक प्रैक्टिस होती है। शाम को हम रेस्ट रखते हैं उनको, उसके लिए ट्रेन में हम कौन में क्या है कि वीडियो मूवी रहता है, वीडियो सेशन, उसमें उनके बारे में जो प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की जो टेक्निक फॉल्ट है या किसी का कुछ वैसे प्रॉब्लम है या किसी का इंजरी है, तो मिड सेशन में वीडियो सेशन में हम लोग ही सिखा देते। एक तो हम जैसे कि ऐसी चीजें ध्यान में रखते ज्यादातर कि कम हार्ट रेट में ज्यादा काम करें। इंडोरेंस एक तो हमारा होता है हिल ट्रेनिंग, बॉक्स जम हो गया, लेग प्रेस हो गया, डिप स्क्वाट हो गया, धीरे धीरे मसल को डेवलप करते हैं। जो पैर की हाथ की पावर सेम नहीं होती, पैर की पावर ज्यादा होती है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो उसके लिए ट्रेनिंग जो होता है यानी कि जो हैवी वेट होता है, हैवी वेट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, उससे लेग की पावर और बढ़ती है, और बेंच प्रेस होता है और बेंच पुल होता है, उससे हाथों की पावर बढ़ती है। रोइंग एक इतना हार्ड गेम है कि जहाँ पर सभी की पल्स खत्म हो जाती है वहां पर रोइंग वाला पल्स काम करती है। दत्तू के लिए बता रहा, जो उसके दिल में है जो विल पावर, वो ऐसा लग रहा है कि हमको कुछ करके देगा। दत्तू जी, आपने बड़ी मुश्किलें देखी, उन मुश्किलों से और आज तक का सफर आपका कैसा रहा? कभी मुझे डर ही नहीं लगा कि ये मुश्किल आ गई। जैसे कंपटीशन में कोई प्लेयर डर जाता है, तो मुझे डर आता था, बस कुछ सेकंड के लिए डरता था मैं कि ये अब इसका क्या होगा, बट भगवान बोलते थे ना कि सबर रख फल मीठा होगा। बचपन में आप अपने परिवार के साथ कैसे समय बिताते थे? एक तो मैं ज्यादा बिताता नहीं था, अपने काम में ज्यादा बिजी रहता था, जो भी काम खेती का हो चाहे फादर के साथ। तो बचपन में भी फादर के साथ खेती में हाथ बटाते? हाँ, मैं 5वीं क्लास में था तब से यानी पीछे पिताजी के साथ काम करता था, खेती का जो भी काम है तो करता था मैं। तो आपने कोई बचपन के खेल नहीं खेले, कोई कंचे, गुल्ली डंडा, ये कोई खेल नहीं खेले कभी? नहीं, मैं खेल खेलने का कभी चांस ही नहीं मिलता था। बच्चा छोटा होता है तो उसे बोल देते घर वाले, बेटा तू खेल के आ जा, मुझे यानी कि वैसे कोई यही मिली नहीं कि तू खेलने के लिए जा। बट मैं किसान हूँ, जब घर में काम रहता था वो काम में ज्यादा बिजी रखने की खुद की कोशिश करता था। बचपन में जो बच्चा कभी खेला ना हो, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो ओलंपिक में
13वें स्थान पर आएगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो उसने आर्मी ज्वाइन की, रोइंग सीखी और रोइंग अपना पैशन बनाया और भारत का नाम रोशन किया रोइंग में, ओलंपिक्स में। तो उम्मीद करते हैं अगले ओलंपिक में और मेहनत कर शायद वो भारत को पदक भी जरूर दिलवाएंगे। जब आपके फादर की डेथ हुई तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? एक तो पहले मैं बिंदास रहता था, जो भी काम आता था, जो भी बाहर से कोई बोलने के लिए आता था डायरेक्ट पिताजी के पास जाता था। मेरे पास तो कोई आता नहीं, यानी कि टेंशन नहीं रहता था, फ्री से आराम से खाना पीना खाओ और रेस्ट करो, काम करो, यही काम आते थे। और जैसे पिताजी एक्सपायर हो गए तो एक दो महीने के लिए इतना प्रेशर आता था, जो भी आता था डायरेक्ट मेरे पास आता था, बात करता था, ये काम करना है। फिर मैं डर जाता था, ये मैं कैसे करूँ अभी। मदर मेरे साथ रहती थी, मदर बताती थी कि कोई नहीं हो जाएगा ये काम, फिर मदर सपोर्ट करती थी थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद आर्मी ज्वाइन हो गई, फिर आर्मी ज्वाइन होने के बाद फिर थोड़े थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व होते गए। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में तो अभी दो भाई है छोटे, और एक भाई की मैंने अभी शादी कर ली है। मदर तो मेरे दिसंबर में एक्सपायर होगी, अभी ओनली फिलहाल दो भाई और मैं एक तीसरा। अपने परिवार के लिए आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? एक तो अभी पिताजी थे तब तो मेरा एक सपना था कि मेरे पिताजी और माता पिता कि अपने खुद की गाड़ी में घूमे। तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी बिल्कुल, यानी कि कुछ नहीं था। जब पिताजी एक्सपायर हुए, मदर एक्सपायर हुई, तब मेरे पास कुछ कार नहीं थे। तो बट अभी एक ही सपना है, कम से कम मेरे भाइयों को तो मेरे वजह से खुशी मिले कि अपने भाइयों ने अपने लिए अच्छा मकान बनाया, यानी कि ये खुशी देना चाहता ओलंपिक किसी खिलाड़ी के जीवन का सबसे बड़ा इवेंट होता है। क्या आपने कभी सोचा था कि 4 साल की मेहनत के बाद आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे और इस मुकाम तक पहुंचेंगे? मैंने कभी सपना तक नहीं देखा था। एक नॉर्मल गांव से आए, आपका नामो निशान पे नहीं था, यानी कि कुछ कोई जानता तक नहीं था। आज आपको मिलने के लिए सभी यानी कि बोलते हैं कि कब आओगी घर। पहले मैं लोगों के अपॉइंटमेंट लेता था, आज लोग मेरे अपॉइंटमेंट लेते थे, एक अलग फीलिंग आती थी। तो ओलंपिक में जब आप क्वालिफाई किए तो सबसे पहले ये खबर आपने किसको सुना? एक तो मैं यहाँ पर थोड़ा आंसू आ गए आंखों में कि अपने मदर को सुना सकूं, लेकिन मदर मेरी कोमा में चली चुकी थी। वो कभी कभी आंखें खोलती थी बट उसे बता नहीं सकता था मैं। आपकी मदर की हालत ठीक नहीं थी, वो आईसीयू में थी, कोमा में थी, उसके बावजूद आप ओलंपिक में गए, तो उसके बारे में थोड़े में बताइए कि आप वहाँ क्या सोच रहे थे? मैंने ये सोचा एक दिन में कि कुछ अच्छा कर गया ताकि तेरे मदर को अच्छा लगे, क्या पता वो कोमा से बाहर आ जाए कोई अच्छी बात सुन के। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी खिलाड़ी की मदर अगर आईसीयू में है और वो क्वालिफाई करता है ओलंपिक्स के लिए, जिसके साथ वो शेयर करना चाहता है वो उसके साथ शेयर नहीं कर सकता, फिर भी वो खिलाड़ी ओलंपिक्स में जाता है, मेहनत करता है और 13वें स्थान पर आता है। दत्तू की ये बात जानकर ऐसा लगता है कि उनमें जज्बे की कमी नहीं है, वो शायद हमसे कहीं ज्यादा मानसिक तौर पर मजबूत हैं। ऐसे बेटों को मैं सलाम करता हूं। पिछले ओलंपिक में आपने क्या सीखा जो अगले ओलंपिक में काम आया? प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, अपनी प्रैक्टिस मेहनत अगर सच्ची हो तो फल जरूर मिलता है। जब आप ओलंपिक में गए, वहां जाकर आपको लगा कि आपके अंदर कोई कमियां नजर आई आपको अपने अंदर, या कोई अच्छाई नजर आई आपके अंदर? कमी मैंने यही देखी कि प्रैक्टिस में मेरे में कमी रहेगी, कि मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया ओलंपिक के लिए। जो ओलंपिक की प्रैक्टिस थोड़ी अलग होती है, उसके लिए अलग डाइट का प्लान होता है। और अच्छा ये रही मेरे अंदर कि मैंने 3 महीने के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अगर मैं 2 साल मिल जाते मेरे लिए, कम से कम 5वीं 6वीं पोजिशन तक आ जाता। तो आपको इंडियन और इंटरनेशनल एथलीट की जो ट्रेनिंग पैटर्न्स है उसमें कोई फर्क नजर आता है? फर्क तो काफी डिफरेंस आता है ट्रेनिंग में। इंडिया के एथलीट्स में ऐसा है कि जैसे जो कोई चीज मिल जाती है तो वो वहाँ स्टॉप हो जाते हैं, बाहर के एथलीट्स स्टॉप नहीं होते। जैसे कि अभी मैंने वो चीज़ें वहाँ पर देखी रोइंग की खिलाड़ियों की, ओलंपिक हो गया हमारा 13 अगस्त को, पूरा फाइनल हो गया, तो मैंने जाके जिम में गया मैं और मेरे कोच और वहाँ से जा रहे थे। कोच बोले कि दत्तू आ जा इधर, तेरे को कुछ चीज़ दिखाते। मैंने बोला कुछ अलग चीज़ दिखाएगा। मैं वहाँ पर गया तो देख रहा तो ये बंदे फ्री प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने बोला सर अभी ये किस लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं? बोला ये प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं अभी बेस के लिए प्रैक्टिस कर रही है।
और हमारे प्लेयरों में और हमें हमारे अंदर यही है कि जैसे मिल जाते हैं मुझे उधर ही हम स्टॉप हो जाते हैं। देश को रिप्रेजेंट करते हुए कोई दबाव कोई प्रेशर फील होता है? नहीं, एक तो खुशी होती पहले तो कि हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने इंडिया के लिए अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। बाकी प्लेयरों के तो पता नहीं, बाकी तो रात भर सोते होंगे या नहीं, बट मैं तो आराम से सोता हूँ, सब कुछ चीज आराम से कर लेता हूँ। बट रेस से पहले एक दो मिनट मुझे थोड़ा टेंशन आता है, जैसे रेस स्टार्ट हो गया फिर मैं अपने पुराने एज पे आ जाता हूँ कि अभी जो भी करना है कर लेना। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? अभी एक ही 2018 एशियन गेम्स है उसमें मैं गोल्ड लाऊं और वो जो अपनी पोजीशन है इंडिया एशिया के अंदर फर्स्ट वो रख के फिर ओलंपिक के लिए हम अच्छा परफॉर्मेंस ला सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि दत्तू को रोइंग की जरूरत नहीं है लेकिन रोइंग को दत्तू की जरूरत है, क्योंकि दत्तू अपनी जिंदगी आर्मी में सर्विस करके बिता सकता है, लेकिन क्या रोइंग को ऐसा खिलाड़ी मिलेगा दत्तू जैसा? दत्तू से बात कर एक बात तो क्लियर है कि हम दो या तीन खेलों के दम पर अपने मेडल्स की टैली को इंप्रेसिव नहीं बना सकते। हमें गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स बॉडीज को रोइंग जैसे खेल को क्रिकेट या टेनिस जैसा पॉपुलर बनाना होगा ताकि आम जनता भी इन खेलों में इंटरेस्ट ले सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि दत्तू अगले ओलंपिक में अपनी बोट पर गोल्ड भरकर जरूर लाएगा। हम सब की तरफ से दत्तू को ऑल द बेस्ट। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.